दोस्तों आज के वीडियो में हम 33 फीट बाय 40 फीट का एक हाउस प्लान देखने वाले हैं और उसे बनाने वाले हैं 3D में। वैसे देखा जाए तो 33 फीट बाय 40 फीट का ये जो है पूरा जो है प्लॉट का एरिया है, लेकिन लगभग 33 फीट बाय 33 फीट में ये जो है पूरा जो है घर बन सकता है। काफी अच्छा और बेहतरीन सा प्लान है। आपको आपके प्लान के लिए इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो आइडियाज आ सकती है, तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिजाइन और उसी के साथ साथ में होम डिजाइन के बारे में हर तरह की जानकारी इस चैनल पर लाने की कोशिश करते रहता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी प्लिंथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप में ये जो है हमारी प्लिंथ रहेगी, मतलब ये लगभग 3 फीट की हाइट में रहेगी। और उसके बाद में इस साइड में भी आप देख सकते हैं कुछ स्टेप बताए गए हैं, यहाँ पर भी स्टेप बताए गए हैं और उसके बाद में इस साइड में भी स्टेप बताए गए हैं। ये किस रूम के है और किस पर्पज से है जब हम पूरा प्लान समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस टाइप में हमारे कॉलम्स रहेंगे। आप देख सकते हैं इस टाइप में ये जो है हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग कॉलम रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारी वॉल रहेगी। आप देख सकते हैं इस टाइप में ये जो है हमारी वॉल रहेगी। इसके पूरे डिटेल डायमेंशन में आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं डोर के पोजिशन हमारे रहेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारी स्टेयर्स रहेगी। आप देख सकते हैं इस टाइप में। अब ये स्टेयर के जो है बाहर से भी यूज कर सकते हैं और इसे अंदर से भी यूज कर सकते हैं। वो किस टाइप में यूज कर सकते हैं हम बाद में समझेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा ये फर्नीचर रहेगा। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है इस टाइप में हमारा जो है प्लान बनेगा। मतलब यहाँ पर हमारा मेन गेट रहेगा और गेट से हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हमें बाइक पार्किंग के लिए जगह मिलेगी। उसके बाद में इस साइड में हमारा जो है छोटा सा गार्डन रहेगा। और इस साइड में अगर हम देखेंगे तो हमें जो है 3 फीट का पैसेज मिलता है। यहाँ से हम बाहर भी निकल सकते हैं इस डोर से। और उसके बाद में राइट साइड में आते हैं तो देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस साइड में भी कुछ जगह छोड़ी गई है। और यहाँ पर जो स्टेप बताया गया है ये स्टेप जो है इस वरांडे पर हमें ले जाते हैं और यहीं से हमारी सीढ़ी स्टार्ट होती है। आप देख सकते हैं ये सीढ़ी जो है यहीं से स्टार्ट होती है और यहाँ से हम ऊपर चले जाएंगे इस लैंडिंग पर और यहाँ से हम टर्न करेंगे और ऊपर की मंजिल पर पहुंच जाएंगे, मतलब स्लैब पर पहुंच जाएंगे। और इस स्टेयरकेस के नीचे का पोर्शन जो हम जो है हमारे हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब ये स्टेयर के जो हम अंदर से भी यूज कर सकते हैं और बाहर से भी यूज कर सकते हैं। मतलब ऊपर की मंजिल अगर हमको किराए के हिसाब से देना हो तो हमारे जो किराएदार रहेंगे उनका आना जाना जो रहेगा इस रास्ते से रहेगा। मतलब हमारी ये जो नीचे वाली जो फैमिली रहेगी उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। यहाँ पर हमारा हॉल रहेगा, हॉल की एंट्री जो है हमारी इस डोर से होगी। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में यह जो है पूरा प्लान समझ लेते हैं, उसके बाद में इसके डायमेंशन समझेंगे। यहाँ पर हमारा हॉल रहेगा। आप देख सकते हैं इस हॉल की एंट्री जो हमारी इस डोर से होती है। यहाँ पर हमारा टीवी यूनिट और यहाँ पर हमारा सोफा सेट रहेगा। अब इस हॉल से यहाँ पर एक डोर हमको मिलता है, इस डोर से हम इस साइड में जा सकते हैं और यहाँ पर हम स्टेयरकेस यूज कर सकते हैं, मतलब ऊपर की मंजिल पर हम जा सकते हैं। मतलब ये स्टेयरकेस जो है हम अंदर से भी यूज कर सकते हैं और बाहर से भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमारा आर्च रहेगा और इस आर्च से हम इस साइड में एंट्री कर सकते हैं हमारे कॉमन टॉयलेट बाथरूम में। इस साइड में हमारा बाथरूम है और इस साइड में टॉयलेट है। उसके बाद में यहाँ पर हमारा एक बेडरूम है। आप देख सकते हैं बेडरूम का फर्नीचर हम हमारे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इस बेडरूम को 2 विंडोज बताया गया है तो वेंटिलेशन काफी अच्छा रहने वाला है, मतलब क्रॉस वेंटिलेशन भी काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर एक डोर बताया गया है, ये जो डोर हमारे किचन का डोर है। यहाँ पर हमारा एक किचन है और किचन को एक डोर यहाँ पर भी मिलता है। इस डोर से हम बाहर निकल सकते हैं, यह वाशेरिया यूज कर सकते हैं और इस वाशेरिया से हम बाहर भी निकल सकते हैं जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था। और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लास्ट वाला बेडरूम है, मतलब सेकंड वाला बेडरूम है। और इस बेडरूम को पीछे साइड में एक डोर भी बताया गया है इस बालकनी को यूज करने के लिए। अब ये जो बालकनी बताई गई है ये जो है हमारे वेंटिलेशन के हिसाब से बताई गई है, क्योंकि प्लॉट में पीछे साइड में दूसरों का प्लॉट है, मतलब दूसरे की जगह है, इसलिए हमको हमारा वेंटिलेशन जो हमारे प्लॉट में एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर जो बालकनी यूज करेंगे हम ग्राउंड फ्लोर पर यूज करेंगे और ऊपर की मंजिल पर यहाँ पर हम स्लैब नहीं डालेंगे। अब इसके डिटेल में डायमेंशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रंट में जो है गार्डन के लिए हमको जो है 7 फीट का पैसेज मिल रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर वरांडा जो मिलता है हमको 9 फीट 9 इंच बाय 5 फीट 9 इंच का मिलता है। उसके बाजू में यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 फीट की जगह हमको मिलती है। उसके बाद में यहाँ पर जो हॉल है हमारा वो लगभग 13 फीट 5 इंच बाय 11 फीट का मिल रहा है। और यहाँ पर जो पैसेज मिलता है वो लगभग यहाँ पर 8 फीट 10 इंच बाय 3 फीट 8 इंच का मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसेज हमको मिल रहा है। यहाँ पर जो बाथरूम है बाथरूम का साइज हमको 7 फीट बाय 4.5 फीट का मिलता है। और यहाँ पर जो टॉयलेट है टॉयलेट का जो साइज है 4 फीट बाय 4 फीट का मिलता है। दोनों को वेंटिलेशन इस साइड से मिलता है। उसके बाद में ये जो बेडरूम है हमारा 11 फीट बाय 11 फीट 5 इंच का मिलता है। और उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा किचन है वो लगभग 11 फीट बाय 10 फीट 9 इंच का मिलता है, मतलब लगभग 11 फीट बाय 11 फीट का मिल रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर जो बेडरूम है हमारा वो 10 फीट बाय 10.5 फीट का है। इसको पीछे साइड में जो बालकनी बताई गई है वो लगभग 9.5 फीट बाय
3 फीट 4 इंच की मिलती है। और उसके बाद में यहाँ पर जो स्टेयरकेस का पोर्शन हमको मिलता है, आप देख सकते हैं लगभग 13 फीट 10 इंच का मिल रहा है। इसका पूरा प्लान भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ताकि और भी डायमेंशन आपको क्लियर हो जाए। तो आप देख सकते हैं इस टाइप में ये जो है पूरा जो है प्लानिंग बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है इसका नक्शा है। तो आशा करता हूँ आज का ये छोटा सा वीडियो जो है आपको समझ में आया और पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपके शेयर से किसी की मदद हो सकती है तो वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।